नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ड ऑफ प्लास्टिक्स तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है आज हम बात करेंगे सिस्टम प्रेशर वर्सेस इंजेक्शन प्रेशर का ग्राफ है ये आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि सिस्टम प्रेशर क्या होता है इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है ऐसा एक ग्राफ हो सकता है आपकी मशीन पे लगा हो और जानना बहुत ज़रूरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें कुछ चीज़ें होती जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है सिस्टम प्रेशर और इंजेक्शन प्रेशर जैसे कि आप वर्टिकल देख रहे हो जो आपकी वाई एक्सिस होती है वाई एक्सिस पे क्या है आपका सिस्टम प्रेशर मैंसेंड है ये आपकी वाई एक्सिस है जिस पे सिस्टम प्रेशर जहाँ पे लिखा हुआ है और ये एक्स एक्सिस है जहाँ पर आप देख सकते हैं इंजेक्शन प्रेशर लिखा हुआ है अब दोस्तों जो सिस्टम प्रेशर इंजेक्शन प्रेशर है दोनों की यूनिट जो है बात करें तो यूनिट इनकी बार में होती है इसकी जो यहाँ पे भी देखिए आप बार मेन्शंड है उसके अलावा ऊपर देखेंगे तो फोर्टी थर्टी फाइव थर्टी करके जो है मेन्श होगा सी फोर्टी बी थर्टी फाइव और ए थर्टी इसका मतलब आपके स्क्रू के डायमीटर है किस डायमीटर का स्क्रू आपका लगा उसके प्रॉस्पेक्टस पे हम इसको समझेंगे तो अब सिस्टम प्रेशर क्या होता है दोस्तों सिस्टम प्रेशर वह प्रेशर होता है जो आप अपनी मशीन पर सेट करते हो जैसे कि आप इंजेक्शन प्रेशर देने जाते हो तो एक नंबर टाइप करते होगे गए सिक्सटी फोर्टी एट्टी नाइन्टी डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट तो जो पी में आप टाइप करते हो वही होता है आपका सिस्टम प्रेशर अब आपका सिस्टम जो है वो आपने तो टाइप कर दिया 80 बार का तो आपका जो मशीन है जो वो कितना प्रेशर जो है वो दे रही है कम्प्लीटली दे पा रही है वो जो क्या रिजल्ट निकल रहा है उसका क्या आउटकम निकल रहा आपके डालने के बाद तो वो होता है आपका इंजेक्शन प्रेशर जैसे आपने 80 सेट किया तो सेट करने के बाद क्या उसका आउटकम आया वो होता है दोस्तों इंजेक्शन प्रेशर तो अब चलिए मान लीजिए कि हम 30 एम एम डाया का स्क्रू लेके चलते हैं आपकी मशीन पे 30 एम mm एम का जो है स्क्रू लगा हुआ है 30 डाया का यहाँ पे आप देख सकते हैं तो किस प्रकार और आपने मान लीजिए कि सिस्टम प्रेशर जो है आपने 80 सेट किया आप अपनी पी पे गए और 80 बार आपने सेट कर दिया तो किस तरह पता चलेगा आपकी मशीन के पे कि कितना इंजेक्शन प्रेशर आपका निकल रहा है यहाँ पर देखिए आपने अस्सी मान लीजिए कि आपने अस्सी सेट कर दिया तो अब दोस्तों अब क्या करेंगे हम ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है अस्सी के आगे इसको फॉलो करिए आप और जैसे कि आप एक स्ट्रेट लाइन जैसे आप चलते चलिए अस्सी के सामने सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आसान भाषा में ताकि सबको समझ में आ जाए बहुत ज़्यादा हार्ड टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल मैं नहीं तो हम देख सकते हैं, आप 80 को फॉलो किया हमने 80 के आगे जो लाइन थी 80 के आगे और यहाँ पे देखिए जो आपकी आ, डायमीटर वाली लाइन आ रही है इसको डायमीटर की वो कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे वो दोनों लाइन मिल रही तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही जहाँ पे मैंने सर्किल किया उससे एकदम स्ट्रेट आएंगे तो यहाँ आप देखिए चौदह सौ जो है आपका जो इंजेक्शन प्रेशर का की लाइन है वहाँ पे 1400 बार पे आया तो इसका मतलब हुआ सिंपल सी भाषा में कि आपने सिस्टम प्रेशर 80 दिया आपकी मशीन जो है 1400 बार का जो है वो इंजेक्शन प्रेशर जो प्रेशर है वो प्रोड्यूस कर रही है आपके 80 देने पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल की घंटी दबा दीजिएगा